जब भी आपके यूजर्स व्यूअर्स उस वेबसाइट के ऊपर में विजिट करे वो कंफर्टेबल फील करे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या थीम कैसे इंस्टॉल करना है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो तरीके। पहला तरीका दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरु संजोग और आप लोग देख रहे हैं वर्डप्रेस की सबसे एडवांस सीरीज। दोस्तों जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं, घूमने निकलते हैं या घर में भी रहते हैं तो हमारा एक ड्रेसिंग सेंस होता है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग उन कपड़ों में कंफर्टेबल फील करते हैं। उसी तरह से दोस्तों आपकी वेबसाइट भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। मतलब जब भी आपके यूजर्स व्यूअर्स उस वेबसाइट के ऊपर में विजिट करे वो कंफर्टेबल फील करे, वो फील करे कि उस वेबसाइट के ऊपर में जो भी मल्टीपल ऑप्शंस है, चाहे वो नेविगेशन हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे वो इमेजेस हो, वो देखकर खुश हो जाए। उसका स्ट्रक्चर देखकर उनको लगे यार ये तो मेरा ही घर है, और उस तरह से उसको देखे जैसे उन्होंने पहले कई बार वहाँ पे विजिट की और सभी प्रोडक्ट सर्विसेज को विजिट करके मैक्सिमम टाइम स्पेंड करके वहाँ से जाए। दोस्तों ये टारगेट हो तो आपको अच्छी से अच्छी थीम ढूंढनी होती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या थीम कैसे इंस्टॉल करना है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो तरीके। पहला तरीका दोस्तों ये होता है कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर में ही वर्डप्रेस के अपीयरेंस सेक्शन में मल्टीपल थीम्स अवेलेबल होती है, उन थीम्स को चूज कीजिए और उसको इंस्टॉल प्लस एक्टिवेट कीजिए। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि गूगल पर जाकर आप सर्च कीजिए वर्डप्रेस थीम के बारे में, जहां पर पेड और फ्री दोनों थीम्स अवेलेबल है। फ्री थीम्स वो होती है दोस्तों जो डेमो के लिए अवेलेबल होती है, उनको यूज करके जब भी आपको लगता है कि ये अच्छी थीम है उसके बाद में पेड वर्जन में जा सकते हो, या कुछ लोग जो है प्रमोशन के लिए भी फ्री में थीम अवेलेबल करा के देते हैं इनिशियल स्टेज में। उन थीम्स को कैसे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर लेकर आए और इंस्टॉल कीजिए, तो कैसे उन थीम्स को इंस्टॉल करना चाहिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर में। सो दोस्तों दोनों तरीके मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा बहुत ही आसानी से। कंप्लीट वीडियो देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों, तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शुरू हो जाए अभी। सो फ्रेंड्स, फिर से हम लोग एक बार आ चुके हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर में और आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से थीम को इंस्टॉल किया जाता है। तो पहला तरीका जो है उसके अपीयरेंस में थीम्स का जो टैब दिख रहा है उसको आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे थीम इंस्टॉलेशन के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ थीम्स यहाँ पर दी हुई है और जो थीम मैंने इंस्टॉल करके रखी है वो एक्टिव दिखेगी आपको, जैसे यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रही है। और इस थीम के अलावा कुछ और भी सजेस्टेड थीम जो है मैंने सर्च किए होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे अगर ज़्यादा थीम्स देखनी है, मतलब जो थीम्स वर्डप्रेस के ऊपर में अवेलेबल है वो थीम्स मुझे कंसिडर करनी है और उन थीम्स को मुझे चूज़ करना है, तो मुझे यहाँ पर एड न्यू में आना है। दोस्तों जैसे मैं एड न्यू में आऊँगा अब मुझे अनलिमिटेड थीम्स यहाँ पर दिखाई देगी। ये वर्डप्रेस रिकमेंडेड थीम्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं पॉपुलर जोन में यहाँ पर बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं। जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसके हिसाब से आप इन थीम में से किसी भी थीम को चूज़ कर सकते हो और उसके बाद में उसको इंस्टॉल और उसके बाद एक्टिवेट, ये दो टैब्स के साथ में इस थीम को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब थीम को कैसे सिलेक्ट किया जाए कि आपके लिए परफेक्ट है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो नॉलेज है आपके, उसके लिए आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए, कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी थीम यहाँ पर एक सिंगल क्लिक के साथ में ओपन करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पॉपुलर एफेक्ट्स, इस थीम को आप यहाँ से इस नाम को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आ जाइए गूगल के ऊपर में। गूगल के ऊपर में हम लोग इसको सर्च करेंगे और इस पर हम लोग डाल देते हैं थीम वर्डप्रेस। अब दोस्तों इस थीम के ऊपर में आने के बाद में मुझे दिखाई देगा यहाँ पर वर्डप्रेस के .org में ये थीम इंस्टॉल्ड है। ओके, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ इस पेज को और इस पेज के ऊपर में मुझे रिव्यू सेक्शन में जाकर दिखाई देगा कि इस थीम का परफॉर्मेंस क्या है। दोस्तों अब हम लोग देख सकते हैं वर्जन 1.2.0 ये है इसका वर्जन और लास्ट अपडेट जो है वो 22 जनवरी को आया हुआ है, और मतलब ऑलमोस्ट एक साल पहले इसका वर्जन आया हुआ है, नेक्स्ट वर्जन आया नहीं है। दोस्तों होना ये चाहिए कि हर महीने कुछ कुछ ना कुछ, हर महीने फ्यू सजेशंस के साथ में, फ्यू चेंजेस के साथ में वर्जन्स आने चाहिए। जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ये थीम यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट अपडेट काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब इसके नए अपडेट्स आना बंद हो गया ऑलमोस्ट। ऑल दो इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छे हैं 1 लाख, और PHP वर्जन जो है हमेशा 5.5 और हायर ही होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ में इसका रेटिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, 4.5 स्टार का रेटिंग है। 4 स्टार्स के ऊपर में, 4.5 या 5 स्टार्स की थीम को आपको सिलेक्ट करना होता है, तो उस पैरामीटर पे ये थीमिंग खरी उतरती है। लेकिन इसका लास्ट वर्जन काफ़ी दिनों से आया नहीं है, ये कंसर्न का पॉइंट है। तो आप
अगर ये थीम में इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो, लेकिन मेरा कंसर्न आपको मैंने बता दिया है। तो ऐसे आपको ये थीम को फाइनल करना है। अगर आपको लगता है कि किसी और थीम को चूज़ करना है तो आपको फिर से आना है अपने साइट के ऊपर में, और वर्डप्रेस के साइट के ऊपर में बैक आ जाइए, और दूसरी साइट हम लोग देख लेते हैं, दूसरी थीम हम लोग चूज़ कर लेते हैं। इसको हम लोग देखते हैं सिडनी, और सिडनी का जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद में फिर से हम लोग गूगल के ऊपर में आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं सिडनी यहाँ पर पेस्ट करके फिर से एक बार सर्वे कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये थीम का एक पेज ओपन कर रहे हैं wordpress.org के ऊपर में, और देख रहे हैं हम लोग November 15, मतलब ऑलमोस्ट कुछ दिनों पहले इसका वर्जन आ चुका है, 15 डेज पहले आज के डेट के हिसाब से। और एक्टिव इंस्टॉलेशन जो है 1 लाख प्लस है, PHP वर्जन 5.6 और हायर है, तो ये मेरे हिसाब से। और दूसरा आप देख सकते हैं रेटिंग 5 out of 5 स्टार्स की है दोस्तों। और ऐसे रेटिंग की साइट और इतने इंस्टॉलेशन की साइट अगर आपको मिलती है और ये आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ मैच करती है तो आपको इस थीम को चूज़ कर लेना चाहिए। तो इसको अगर चूज़ करना है दोस्तों तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर आ जाइए वर्डप्रेस के अपने डैशबोर्ड के ऊपर में, और बैक में आ जाइए इसको, और इस थीम को आपको जस्ट ओपन इंस्टॉल करवाना है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल करवा रहा हूँ। और इंस्टॉलेशन के बाद में आपको इस थीम को एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों ये थीम जो है इंस्टॉल हो चुकी है, और इंस्टॉल करने के बाद में इसको हम लोगों को एक्टिवेट करना होगा, और एक्टिवेशन होने के बाद में ये थीम आपके वेबसाइट के ऊपर में इंस्टॉल हो जाएगी दोस्तों। कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड होकर आप उस थीम को या अपनी वेबसाइट को देख सकते हो। जैसे अभी हम लोगों ने इस थीम को इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पर, और इस थीम को यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आ चुके हैं, और कस्टमाइजेशन पार्ट में जाकर आप कस्टमाइजेशन शुरू करोगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरह से थीम इंस्टॉल करने हैं, तो कस्टमाइजेशन का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इस थीम को अगर देखना है इंस्टॉलेशन के बाद में अपनी साइट कैसी दिख रही है, तो फिर से एक बार आपको आपकी साइट जो है वो ओपन करनी होगी, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ साइट का लुक एंड फील इस तरह से आ रहा है। तो दोस्तों यह है पहला तरीका कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर में जो थीम्स अवेलेबल है उसमें से कोई एक थीम चूज़ करके उसको इंस्टॉल कर दीजिए, और उसके ऊपर में कस्टमाइजेशन का काम शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों अब चलते हैं दूसरा तरीका समझने के लिए, और दूसरा तरीका समझने के लिए हमको जाना होगा गूगल के ऊपर में। दोस्तों फ्री थीम्स फॉर वर्डप्रेस डाउनलोड अगर मैं ये चूज़ कर सकता हूँ तो इसमें काफ़ी सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे आपको। इसमें wordpress.org भी है, थीम फॉरेस्ट है, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। तो दो जो पॉपुलर पेजेस हैं वो मैंने ओपन करके रखे हैं, एक तो है थीम फॉरेस्ट और दूसरा है थीम्सले। दोस्तों थीम फॉरेस्ट में आपको पेड थीम्स मिला दिखाई देगी, आप देख सकते हो। आप अगर इसके होम पेज में आओगे यहाँ पर वेब थीम्स एंड टेम्पलेट दिखाई देंगे, उसके बाद में पॉपुलर फाइल्स, फीचर फाइल, टॉप न्यू फाइल्स, वर्डप्रेस सेक्शन में भी ब्लॉक मैगजीन, बड़ी प्रेस, कॉर्पोरेट, जिस भी आपका ई कॉमर्स, एलिमेंटर, दोस्तों बहुत सारे फीचर्स वाली थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो। जैसे आपको ब्लॉग और मैगजीन्स वाली थीम चाहिए तो यहाँ पर दिखाई देगा $34, $20, $31, अलग अलग कॉस्ट रेंज के हिसाब से। अगर मैं इसको चूज़ करते हैं हम लोग दोस्तों इस तरह से, इस थीम को अगर हमको देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसके फीचर्स देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे क्वालिटी चेक बाय इवेंटो, फीचर अपडेट, 6 month सपोर्ट, इस तरह के कुछ फीचर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है तो डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसको अगर आप ओपन करोगे तो हर एक चीज़ जो आप वर्डप्रेस के ऊपर में करना चाहते हो, स्पेशली इस साइट के ऊपर में, उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल कैसे करना है, रिक्वायर्ड प्लगइन्स कौन से है इसके लिए, और डेमो कंटेंट इंपोर्ट कैसे करना है, थीम कस्टमाइजेशन कैसे काम करता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और उसको इसको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हो। और इसलिए ये जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद भी आप मल्टीपल थीम्स चेक कर सकते हो दोस्तों, ये तो हो गया। लेकिन हम लोग जो है और दूसरे एक साइड पे चलते हैं जहाँ पे फ्री वर्डप्रेस थीम्स दिखाई देगी, जो है थीम्स ले। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको ये कुछ साइट्स दिखाई देगी यहाँ पर, जैसे हेस्टिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों। इसकी काफ़ी सारी थीम्स अवेलेबल है फ्री में और पेड में, हमको इसको लर्न मोर करना है ताकि हम लोग इस थीम को समझें। इसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो डाउनलोड है और दूसरा है लाइव डेमो। जैसे कि मैंने कहा यह हेस्टिया थीम जो है इस साइट के ऊपर में वर्डप्रेस के ऊपर में नहीं अवेलेबल दोस्तों, इसलिए हम लोगों को ये परचेस करनी होगी या फ्री में डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद में हमको हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस थीम को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है इस थीम में। इजी टू सेटअप, बिल्ड फॉर परफॉर्मेंस,
स्लिक मटेरियल डिजाइन ऑल डन विद इन द कस्टमाइजर, वो कॉमर्स प्लगइन भी मतलब ई कॉमर्स की साइट भी बना सकते हैं यहाँ पर। पेज बिल्डर कैपेबिलिटी है दोस्तों, मतलब आपका जो एलिमेंटोर है वो काफ़ी इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। स्टार्टर साइट्स लॉन्च, और उसके बाद में स्टार्टर साइट्स इंक्लूडेड एंड देन अनकम्प्रोमाइज स्पीड, ऐसे कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर हम लोग नीचे भी आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये साइट्स का लुक एंड फील कैसे दिखाई देगा। व्यू साइट करके आप चेक कर सकते हैं साइट को कि ये साइट दिखाई कैसे देती है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ये वेबसाइट बिल्डर है दोस्तों, तो सभी तरह के बिल्डर्स काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एलिमेंटर, और वो यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो ये थीम जो है फ्री में भी हम लोग, ये आप देख सकते हो वू कॉमर्स है, तो फ्री में भी आप वू कॉमर्स और एलिमेंटर इंस्टॉल कर आप अपनी ई कॉमर्स साइट या ब्लॉगिंग साइट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ के प्लान, पर्सनल, बिजनेस और एजेंसी, इसके कॉस्टिंग, लेकिन हम लोगों को करना है फ्री में काम तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा इसको डाउनलोड। डाउनलोड के लिए हम लोगों को हमारा ईमेल आईडी डालना होगा, जिससे मैं भी डाल देता हूँ ईमेल आईडी। तो ईमेल यूज़ कर लिया और सब्सक्राइब एंड डाउनलोड। दोस्तों अब ये साइट जो है वो डाउनलोड हो रही है, अलाउ कर देता हूँ। और ये डाउनलोड होने के बाद में हम लोगों को ये पीडीएफ फाइल में वो जो कंप्लीट हम लोगों को इसकी कंप्लीट सेटिंग जो पीडीएफ फाइल हम लोगों को इसकी कंप्लीट सेटिंग जो zip फाइल में होगी उसको इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस के ऊपर में। तो चलो देखते हैं ये कंप्लीट हुई है क्या, इंस्टॉलेशन डन हुआ है या नहीं। अगर हम लोग डाउनलोड्स में आते हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हेस्टिया की ये कंप्लीट फोल्डर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये ओपन हो चुका है दोस्तों। मैं मैक में हूँ तो मैक में आपका जो zip फाइल होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, तो मुझे इसको zip में कन्वर्ट करना होगा पहले। सो कॉम्प्रेस कर देता हूँ इसको, जैसे मैं कॉम्प्रेस करूँगा दोस्तों ये कॉम्प्रेस्ड हो चुकी है और मुझे यहाँ एडिशनल इसकी zip फाइल दिखाई दे रही है दोस्तों। अब आपका अगर विंडोज़ कंप्यूटर होगा तो विंडोज़ में ये पहले zip में कन्वर्ट होगी और उसके बाद में इसको ओपन करना होता है अगर आपको इस तरह का फाइल ओपन चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ zip फाइल की ज़रूरत है। अपने पास में अभी zip फाइल आ चुकी है, तो हम लोग फिर से एक बार वर्डप्रेस के थीम के ऊपर में आ जाते हैं और यहाँ पर चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर में और फिर से एक बार ऐड न्यू में चलते हैं दोस्तों। ऐड न्यू में आने के बाद में आपके पास में एक टैब दिखाई देगा और जो है यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड थीम। यहाँ पे अपलोड थीम में आने के बाद में आपकी जो फाइल है, तो हम लोग चलते हैं हमारे डाउनलोड सेक्शन में। इस फाइल को मैंने फेच कर लिया और इस फाइल को खींच कर यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, मैं जैसे ही इंस्टॉल नाउ करूँगा ये थीम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनपैकिंग द पैकेजेस, इंस्टॉलिंग द थीम, थीम इंस्टॉल सक्सेसफुल। तो ये थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है अभी। और एक बार फिर से हम लोग थीम सेक्शन में जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये थीम हेस्टिया जो है वो इंस्टॉल हुई है क्या। आप देख सकते हो दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुकी है और इसको करना है हमको एक्टिवेट। अब एक्टिवेट होने के बाद में ये रिप्लेस कर देगी हमारे पुरानी थीम को। अब ये एक्टिवेट हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेस्टिया, ये सिडनी थीम चाहिए तो पहले हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, तो इसको जो है अब एक्टिवेट नहीं है, अभी ये डीएक्टिवेट हो चुकी है क्योंकि ये एक्टिवेट हो चुकी है। और देख लेते हैं हमारी थीम कैसे दिख रही है दोस्तों। अब ये थीम देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही है और इसका कस्टमाइजेशन पार्ट जो है हम लोगों को देखना है। ये पहले थीम ऐसी दिखाई दे रही थी, अभी हमारी थीम ऐसी दिखाई दे रही है क्योंकि हम लोगों ने हेस्टिया थीम को इंस्टॉल किया। थीम कैसे इंस्टॉल करना है आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, आने वाले वीडियोस में भी आप देखोगे थीम का कस्टमाइजेशन किस तरह से होता है, थीम का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे एलिमेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे प्लगइन को यूज़ कर सकते हो। तो इन सब टॉपिक्स के लिए अगर आपको अपने लव वन को, अपने दोस्तों को बताना है कि वर्डप्रेस की फ्री में वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो उनको मेरा वीडियो देखना चाहिए। तो उनको बोलिए चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून। सो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।